दिस इज महिमा एंड वेलकम बैक टू देसी मार्टिनीज डेली पंच, जहां हमारी टीम एक बार फिर से आपके लिए लेके आई है आज दिन की सबसे बड़ी हाइलाइट्स एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। बैक इन नवंबर लास्ट ईयर इट वाज रिपोर्टेड दैट नुपुर सैनन विल बी मेकिंग हर एक्टिंग डेब्यू ऑपोजिट टाइगर श्रॉफ इन हिज अपकमिंग फिल्म गणपत। However, later it was officially announced that Nupur's sister Kriti Sanon will be reuniting with a Heeropanti co-actor for this action thriller. However, the Filhaal 2 star has now confirmed that she will not be making her acting debut with Ganpat because it is more about Kriti's character. Nupur made it very clear that until and unless it is a very good script or an equal role for both the actresses, she will not begin her acting journey with such a film. सलमान खान की टाइगर 3 को लेकर हमने एक खबर आपको बताई थी। हमने आपको बताया था कि इस फिल्म में शाहरुख खान अपना कैमियो कर सकते हैं। बता दें, अब इसी खबर को लेकर एक ताजा जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान की शूटिंग से थोड़ा सा समय निकालकर सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के लिए अपना कैमियो शूट करेंगे। ये शूटिंग शायद अगले हफ्ते हो सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन ये कंफर्म माना जा रहा है कि शाहरुख खान जल्द सलमान खान की टाइगर 3 के लिए शूट करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर एक गंभीर आरोप लगा है। बीती रात मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। राज पर पोर्नोग्राफी कंटेंट जनरेट कर उन्हें पब्लिश करने का आरोप लगा है। बता दें, आज सुबह राज को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें, इस मामले में कुल 6 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले की जाँच में जुटा है। बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख और सोनाक्षी सिन्हा जल्दी हॉरर कॉमेडी फिल्म ककुड़ा में नजर आने वाले हैं। आज इस फिल्म की घोषणा के साथ फिल्म की शूटिंग की भी जानकारी दे दी गई है। इस फिल्म में रितेश देशमुख और सोनाक्षी सिन्हा के अलावा साकिब सलीम भी लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म ककुड़ा को आदित्य सरपोदार प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इससे पहले कई मराठी फिल्मों को बना चुके हैं।